साधना गोल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सारी नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। अधिकार करोला थाना समाज में निश्चित रूप में सुधार वेला। मैं तो गुरु जी साधारण परिवार को आदमी हो, उदू जी परिवार को एक छोटो सो कार्यकर्ता हो, एक साधारण खेतियर परिवार को बेटो और समाज मान आशीर्वाद दियो। और मैं तो 20-25 साल समाज की सेवा करी और मारे कांग्रेस पार्टी की भी सेवा करी। मेरो परिवार बहुत साधारण परिवार है, विष्णु समाज में कोई पैसा हो, बहुत आर्थिक दृष्टि बहुत कमजोर परिवार हो। मैं 20-25 साल हुई राजनीति में, तोड़ो पजामो पैर पड़ गयो, हमेशा कांग्रेस कर दो 24 घंटा। मैं तो घर गई तंग आ गया बेटा बाबा के कांग्रेस है, कोई धंधो दूध की है कि वास्ते करते 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 गुरु जी कोई बड़े रंगी रावड़ी पावड़ी आड़ी आ गई और 36 कांग्रेस पार्टी मन आशीर्वाद दे दियो और 36 कौम मन आशीर्वाद दे और राजस्थान की विधानसभा में भेजो। इन 36 कौम रो और मैं हमारे विष्णु समाज रो बहुत बहुत आभारी और रणी रोला और रण में आप रहे सेवा कण में उतारने की कोशिश करूंगा और भरोसा और विश्वास दे रहा हूं। लुगाया बेटी है, मैं तो आर्थिक मेरो परिवार तो थारे उदू जी परिवार में कोई छानो नहीं है, कोई अच्छा नो नहीं है। मैं तो हमेशा एक कड़ी में लाल पीठ फोटो देख कभी नहीं देखियो, एक डगर मत मैं चलियो, एक डगर रो और मेरे ईमानदारी में नेकियों मेरो काम करियो। समाज माने साधु संते माने कोई आदेश दियो, समाज माने कोई आदेश दियो, मैं धन हम में कोई पैसा में मैं कभी नहीं देखियो। समाज के और साधु संत आदेश की पालना करी बिंगो भी प्रतिफल मैंने आज मिलो, साधु समाज को मैं बहुत बहुत एहसान बचू। मैं तो भाई आर्थिक दृष्टि मेरी कमजोरी, लोग कहते मटी करोड़ों रुपया था, मैं उपया को लेने के एक टको तेल आए पया नहीं है, तो भी मैं कभी पैसे हम नहीं देखियो, मेरो ईमान और नेकी हम देखियो और समाज आगे की गिर बढ़े इन्हों में हमेशा ध्यान रखियो। ए लुगाया बेटी, मैं तो कहने जो हूं तो मेरी लुगाई कभी चंपल ही बुलाए वास्ते नहीं बा लुगई बिंदी ब्या लुगई मैं चंपल की कदे उम्मीद रखी इतनी मेरी स्थिति, फिर भी मेरे समाज और 36 को मन आशीर्वाद दे माने कामयाब कर राजस्थान की विधानसभा में भेजो। मैं लौट विधानसभा क्षेत्र के 36 कौम के वास्ते और पड़ोसी के पड़ोसी गांव और मेरे भाई पे के गांव के वास्ते कदे कोई आदेश दीजो, मैं थारी आदेश की पालना करूंगा और आपकी सेवा करूंगा, आपकी बेगार काट में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। आई बात के दे पुनः माना आप बुलाया, काले में उपस्थित नहीं हुआ हो सकला विधानसभा चले, इन वास्ते मैं आपको माफी मांगने चाहूंगा और आज मारी उपस्थिति मान जो पुनः एक बार मान बुला मार मान सम्मान और साधु संत मान आशीर्वाद दियो, इन वास्ते आप लोग बहुत बहुत आभारी धन्यवाद जय। संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी श्रीमान कृष्णा राम जी विश्नोई साहब, जोरदार तालियों से इनका एमएलए निर्वाचित होने पर अभिनंदन किया जाए, स्वागत किया जाए। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए श्री जगराम जी गोदारा साहब हमारे बीच में पधारे हैं, उनका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन किया जाए। परम सदय स्वामी मंगलदास जी भी हमारे बीच में पधारे हैं, उनका भी अभिनंदन किया जाए। अगली कड़ी में मैं मेरा निवेदन करूंगा कि परम आदरणीय लोकप्रिय विधायक जन जन के लाडले श्रीमान पप्पा राम जी विश्नोई साहब, आप आए और अपनी बात उपस्थित जनसमूह के सामने रखें। बोल गुरुदंबेश्वर भगवान की। बाया थे मुरली गावो अटे गावो जिनके मुकाम होनी इतनी चीज है, मुरली भजन में आके रहने अपने जो अब जून की लुगाया गाँव थे मुरली बाजे अटे होनी थे मुकाम, इस तरह का मुरली का मुरली एक प्रकार का भजन था, वह जोरदार मुकाम तक होनी इतनी चीज है। बोल गुरुदंबेश्वर भगवान प्रातस्मरणीय मुकाम पीठाधीश्वर और हमारे समाज को सद्मार्ग में चलने के लिए हमेशा प्रेरित करने वाले आदरणीय गुरुदेव रामानंद जी आचार्य जी के चरणों में सत्सत नमन और व्यासपीठ पर विराजमान जिनके चित्त में सत हो तो हमेशा आनंद की वर्षा होती रहती है, ऐसे गुरुदेव सच्चिदानंद जी गुरु जी के चरणों में वंदन। जांबा के महजी स्वामी प्रेमदास जी के चरणों में वंदन।
संत समाज के चरणों में साष्टांग वंदन करता थका। अपन भी विराजमान और अपने परिवार रहा और लगातार संघर्ष करता थका। आनी तो योग मिली नहीं मिली, पर लगातार चलता रहा। तो चलता रहा एक दिन जरूर मेरे लक्ष्य मिला, मेरी कोई जगह मिले जरूर है। ऐसा एड़ा अपने पौड़ी पड़ोसी कॉन्स्टिट्यूएंसी थारे उदानिया रो जो को मूल गांव बठेरा युवा विधायक युवा वैदुल थोड़ी बोली में धड़कन ही हल्ली गए थोड़ी, क्योंकि मैं बड़ जनता रो आ गयो थे और निश्चित तौर पर बड़ो संघर्ष रहे वांगो। मैं बधाई दे रखा था क्योंकि मैं हूं तो विपक्षी पार्टी रो कल माने पाबंद किया है कि भाई आप किस तरह राम जी और खड़ा करने वास्ते विधानसभा में हाजिर रह जो इन वास्ते विधानसभा में भी हाजिर रहना जरूरी है। अरे हमारी भूल को याद नहीं आऊं तो पब्बा राम तेरी पातोड़ है अब मैं जानू इन वास्ते आवनो भी जरूरी हो। कृष्ण राम जी रोटे स्वागत और अभिनंदन और आपके सफल भविष्य की कामना करा। अपने बीच विराजमान कृषि मंडी राज इन संभाग ने हैंगाऊ बड़ी कृषि मंडी का चेयरमैन और थारो परिवार जगराम जी गोदारा आप रो भी स्वागत और अभिनंदन। प्रमुख साहब पांचाराम जी जिला परिषद सदस्य आदरणीय रावण जी जाने भंगो पेरुड़ो ही लगड़ो ही कह रहे बैम पड़े अपने युवा प्रधान और हमेशा अपनी ओजपूर्ण वाणी हमेशा युवाओं ने प्रेरित करे और भागीरथ जी बेनीवाल भाई सुरताराम जी माजरा अंदराम जी सेन साहब उकमाराम जी बाबू जी फगलू जी बैर जी सरपंच साहब और लॉटरी ग्राम सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष और अपना दबंग नेता समाज सुधार की हमेशा बात करता थका। दो दो चुनाव लड़िया दो आउटू मालाराम जी का सुपुत्र आदरणीय और महाराज जमाई आदरणीय ओम जी राव साहब आप सब पधारुड़ा मंच पर विराजमान सारा ही अतिथिगण चौधरी मोहन जी उठो आया आप सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन। माताओं बहना हमेशा धर्म की रक्षा अगर हुए है सुबह शाम अगर दीपक जलाओ जोत करनी दूजो तीजो और जब कभी संस्कार की बात हुए उपदेश की बात हुए कथा की बात हुए भी श्रवण करने वास्ते ज्यादा हो ज्यादा माताओं और बहना ठहरे। बंधुओं अगर अच्छो प्रवचन हुए तो भी वो प्रभाव अगली पीढ़ी माते भी रहे। मैं एक उदाहरण महाभारत काल करूं। महाभारत काल में भगवान कृष्ण सुभद्रा ने अपनी बहन ही और अर्जुन देख रहे हैं बिने चक्रव्यूह में किन तरह घुसे लड़ाई के दौरान और चक्रव्यूह तोड़ की कर निकले बा कथा सुना दिया है। और बालक अभिमन्यु मारे गर्भ में बा कथा सुन रही हो आप समझो शिक्षा शुरू हुए गर्भ जन्म रे बाद में नहीं हुए
अगर अच्छा प्रवचन सुनौला ताबर संस्कार ग्वान वेला। दुर्भाग्य उन अभिमन्यु रो कि जब तक भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन ने चक्रव्यूह में घुसनरी यानी दुश्मन आ रहे चक्रव्यूह ने तोड़ मां घुसनरी देखी कला बतावे हा तब तक तो वो फुलतो रहे हो बा हुनती रही सुभद्रा जी। और उरे बाद में जो ही निकल रही बात करी उन टाइम सोएगी तो अंदर अभिमन्यु बालक भी सोएगी तो बाहर निकल रही कला नहीं जान सक्यो साल शब्द है 15 साल भी बरस रो महाभारत के युद्ध में बड़ा बड़ा योद्धा मारे चक्रव्यूह ने तोड़ बना मारता करता अंदर घुस गयो मारे कोख में बा कला नहीं सीख सक्यो बाहर निकल रही और सारा का सोरा योद्धा वो टूट पड़िया पिल पड़िया। आज अभिमन्यु हो तो इतिहास और हो तो भारत रो तो बंधुओ आ शिक्षा है बालकरी मारे गर्भ सुने गर्भ शुरू हुए और इन वास्ते महिलाओं ने सच उपदेश सुनना बहुत जरूरी है। मैं आपने बधाई दे बड़ी संख्या में माया में नाथ आई है और बहुत बीती जिम्मेवारी अपने भी है अपनी और भी ज्यादा है जो आपने देख अपनी औलाद आपने देख आप क्या आचरण करा कठिन उठा कि हाथ बैठा कहीं करा दूजो तीजो वीरो प्रभाव छोटे बाल में तो बहुत ज्यादा पड़े क्योंकि मैं बाल कार्य भी ज्यादा रहे बाल मनोविज्ञान को मन विशेष जानकारी है तेरे वास्ते आपने भी कोई अड़ी चीज है तो बच्चे रहे हमें आपन कोई भी चीज नहीं करा अमदुल उल्लाह तो बच्चे रहा हमें मिला आ तो ध्यान रखनी पड़ी आपने क्योंकि प्रभाव भी बच्चे माते जरूर पड़े। गुरुदेव जो पहली बार भने जनता बहुत बड़ो आशीर्वाद दे चुनियो मैंने इन धराऊ लगभग 35,000 रो गैप वित्तीय जिम्मेवारी भार माते आएगी और एक आदेश हो मुकाम पीठ हूं आप आदेश फरमायो कि बाबा राम आज की बालकारी ड्रेस है आसमानी कलर की है इनने चेंज करने जिम्मो थाने है। मैं पागल हुए शिक्षा मंत्री लारे पड़ गयो और आ बात में संता महाद्वारे माध्यम पहुंचाई आसमानी रंग सनातन धर्म में ही वर्जित है नील वर्ण सनातन न सिर्फ विष्णु ही समाज में नील वर्ण धारण किए कोई साधु को नहीं दे सकते और धोड़ा वस्त्र में थे होने एक तरह का साधु ही हो और आ बात शास्त्र भी कहवे की बात में उठाई शिक्षा मंत्री ने कही शिक्षा मंत्री जी माने मारे बहुत मानता मैं कह बाबा राम जी अब तो सारे ड्रेस करवा ली बच्चों ने अब आप जनवरी फरवरी में कह रहे हो मार्च में और अगर इसके लिए कमेटी बैठेगी दूसरा तीसरा अगली बार आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगली बार आपके ड्रेस में बदल दूंगा और जाकर के मैंने जामा में घोषणा की थी कि अगले साल आपकी ये स्कूल की पोशाक चेंज हो जाएगी चेंज हो गई संभवतः नई सरकार को भंगवे कलर पे थोड़ी सी क्योंकि हमारे हमारे से जोड़ करके देखते हैं ये बीजेपी पार्टी के भंगवा कलर हो रहा है तो हमें कोई ऐतराज नहीं उसका इसका हमें कोई ऐतराज नहीं है। मैंने माननीय सुखराम जी से बोला मंत्री जी अभी बड़ी खुशी की बात है कि आपने समाज रहा पर्यावरण रहा और वन विभाग विभाग मंत्री भी अपने समाज रहा है निश्चित तौर अपनी जगह विचारधारा ने आगे ले चालन वाला है और बहुत धर्म प्रेमी है मैं भी कमेटी का सदस्य है जबकि ट्रैप पोशाक चेंज करने वाली तो मान मैं विशेष आग्रह कर दियो भाई कम से कम जो भी रंग आप बदलो आसमानी कलर नहीं आना चाहिए
लेकिन चीज रो विशेष ध्यान रखियो यानी कि नील वर्ण पोशाक में नहीं आवे और बहुत ऐतराज है संत महात्मा ने वह भी क्यों मैं इन चीजों विशेष ध्यान रखू क्योंकि राज में है कृष्णाराम जी तो कृष्णाराम जी यहां निवेदन है कि वो अपने समाज रो ही नहीं है हिंदू पूरे समाज रो है कि भी नील वर्ण है कि पोशाक नहीं मैं बाकी थारे हिसाब कर लीजिए माने कोई ऐतराज नहीं मैं आम आदमी में जबीर फल ठोकता आगे भंगू टेकता की बात को भगवो बड़ करता पर इस चीज का विशेष ध्यान रखिए अपने अपने समाज से जुड़ी हुई बात है तो मैं आई निवेदन मैं आपको कर रही हूं आप सब लोगों ने हार्दिक बधाई देऊं शुभकामना देऊं बड़ा शानदार हो और जिन तरह लोग मंदिर बने हुए हैं आओते मन में एक श्रद्धा और आस्था और सैलाब तोड़े स्वतः ही मारा पग उठी ने हालांकि प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई पर मारा पग उठी ने गया प्राग भी मंदिर की कला करती तो मैं जाप देखू बहुत जानदार और शानदार भाई डबल क्रॉप एरिया हुआ जट गेरा ढाबा हुआ बटा बटाला लोग जो है नहीं मंदिर बना ले तो बड़े बोको लाखों की भाई गेना फसल भी हुआ दूधी दीदी थारो सिंगल क्रॉप बारह नी भूमि वाला अरे तो जानदार मंदिर बना दिया दो दो मंदिर बना दिया मैं तो भाई आप कमाल की बात है थे यूं हार्ड में पाई है बता भरोसा राम राय बता दो थाना बहुत बहुत बधाई दो बहुत बहुत शुभकामना दे शानदार और जानदार जट कट मंदिर बन जावे कम से कम भी हम हम निकला है जिन्हें थोड़ो राम जी ने याद करे राम जी ने आज याद करे तो आगू जाए बुरु काम नहीं हुए अत तक पक्की है और हर तरह रो पूरी बस्ती रो धर्म उठे निकले जोत हुए सुबह शाम घंटी की आवाज जब तक तक सुनी दे तब तक है जो अच्छो वातावरण बने बच्चा में दूसरा में तीसरा में सुबह शाम भजन कीर्तन हुए बिंगो भी प्रभाव पड़े और अठू थारे चूण चुगो कीड़ी मकेड़ी हर तरह रो जानवर है वो ने भी अटे पूरो नगरी रो धर्म है वो अपनो सामूहिक धर्म अटे है और इस बात से मैं बहुत बहुत बधाई दू हूं मैं मन में बड़ी अड़मल आई है काले माने अटे होना चीज है मैं कल परसू परले रोज में गयो अपने विजयलक्ष्मी जी कहने माने क्यों मैं मैं तो आ नहीं सका पर थे भी 10 तारीख में जरूर उठने वाले क्योंकि मारी तो मजबूरी है हम कड़े हड़ गाल मानसमित रहो पड़ी और अन्य रहो पड़ी कि मारा बजू पड़ी नूरा कुछ तू तो चली मैं भी चाहवा थारो बलो वे यही चाहे थारो बलो वे तो सारा ही भले भी बात करा जनता की भले भी बात करा तो निश्चित तौर आपकी मांग ने आ जरूर है धरा की मांग कॉन्स्टिट्यूशन की मांग ने दमक हम कई चीज आएगी माने 5 साल रह गया नहीं तो माने माने था आया कि भाई कर्मचारी अधिकारी ने कंट्रोल की कर करना एक आधो प्रश्न पूछ लियो नहीं तो वो रात को आई मारे कने कि भाई हम ये तो प्रश्न नहीं तो लंबी सूचना मांग ली मैं तो मर जा कद बना मार कद दार तू जो नहीं दे तो भाई पूछे इस बात से बात सारी कला बेबी भी टाइम हीक लिया तो इस बात से कोई चिंता की जरूरत नहीं है बाकी सारा परिवार ही बैठा है राम जी बैठा है दुनिया भर 5-5 विधायक समाज रहा है और पहली बार कितने शान हो जो 98 में कहीं 25 साल के बाद में एक ही समाज रहा 5-5 विधायक चुन दिया इस वास्ते भी आपने बधाई दू बहुत बहुत शुभकामना दू आपने ऐ तो धीरे ही आगा हुआ गया बाबा राम के जबीर ला गया गड़ी कि मैनू ला गया हो सके वो कथा तो कोई छोड़ नहीं मैंने मैं कथा भी फिर तो भरू पर आप लोगों की कृपा हुई आप लोगों रो बहुत जबरदस्त जगह जोश और खरोश हो मेरे कारण आज दूसरी बार
ਆਪਾਂ ਪਾਸਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ਮੈਂ ਦਬੰਗਾ ਯੂ ਕਰੂੰ ਹਰ ਬਾਤ ਮਨਾ ਲਊ ਬਟ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਤੇ ਬਟ ਰੱਖੂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਵੀ ਕੋਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਅਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਬਟੇ ਕੋਈ ਫੜੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੈ ਹੁਣੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਨੂੰ ਬੜੋ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਬਠੇ ਵੀ ਮਨ ਜਾਣੋ ਹੈ ਆਪ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪੰਡਾਲ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਮਨ ਨੇ ਆਲਾਦਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮਨ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਆਪ ਸਭ ਭਗਤ ਚਰਨਾਂ ਮੈਂ ਵੰਦਨ ਕਰਦਾ ਥਕਾ ਮਾਰੀ ਵਾਣੀ ਨੇ ਵਿਰਾਮ ਦੂੰ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਮੈਂ ਸਾਸ਼ਟਾਂਗ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਪੁਨੇ ਆਪ ਸਭ ਲੋਕ ਆਭਾਰ ਗੁਰੂਜਨੋ ਰੋ ਆਭਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਜੈ ਭਾਰਤ ਔਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਇਤੋਂ ਪੈਸੋ ਲਗਾਇਓ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਓ ਕਿ ਅਟਕੀ ਇਨਕੀ ਕਰਾਓ ਮਾਰੇ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੁਝਕੋ ਅਰਪਣ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਤੋ ਉਹ ਕਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੜਚਨ ਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਪਾਰ ਗਾਲ ਦਿੰਦੀ ਔਰ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੁਣ ਆਦੇਸ਼ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਵੇਲਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਟਲ ਇਸ ਮੰਚ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੂੰ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੁਣ ਆਦੇਸ਼ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਥਕਾ ਕੱਲ ਇਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਥਕਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਮ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਸ਼ੁਕਰਾਮ ਦੀ ਮੰਨੇ ਆਜ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਾਂ ਬਣ ਬਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਮੈਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੋ ਗਿਓ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਰੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਰਾਜ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਠੇਲੋ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰੋਜ ਦੇਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤਵ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕਰਿਆ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਧਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜਨੂਨ ਹੈ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਆਪਣੇ ਜੋਗ ਸੰਜੋਗ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਾ ਅਚਾਨਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਬਾਨੇ ਰੁਕਣਾ ਪੜਿਓ ਪਰ ਆਪਾਂ ਸੂਚਨਾ ਆਪਣੇ ਦੇਵੂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੁਖਰਾਮ ਜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਭ ਚੌਕਟ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਸ਼ਟਾਂਗ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਾਨ ਲੀਜੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੋਲ ਗੁਰਦੰਬੇਸ਼ਵਰ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ ਬੋਲੀਏ ਸਭ ਸੰਤਨ ਗੁਰੂ ਮਹਿੰਤਨ ਕੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਰਵਾਚਨ ਕੇ ਲਿਏ ਫਲੋਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਓ ਸੇ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕੀਆ ਜਾਏ ਸਵਾਗਤ ਕੀਆ ਜਾਏ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਬੀਚ ਮੈਂ ਅਤਿਥੀ ਪਧਾਰੇ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜਗਰਾਮ ਜੀ ਗੋਦਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਗੀਰਥ ਜੀ ਬੈਨੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਰਾਹੁਲ ਰਾਮ ਜੀ ਔਰ ਤਮਾਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਤਿਥੀ ਪਧਾਰੇ ਹੈ ਉਨਕੋ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕੱਲ ਪਧਾਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਔਰ ਇਹ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਆ ਹੈ ਆਪਕੇ ਚਰਨੋਂ ਮੈਂ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੇ ਕੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ ਤੋ ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਸਮੇਂ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਰੱਖ ਦੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਆਗਿਆ ਹੈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਸੇ ਇਸ ਆਗਿਆ ਕਾ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕੀਆ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਨਿਵੇਦਨ ਰਹੇਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਵਲ ਰਾਮ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਦਸਯ ਔਰ ਸਹੀ ਨਾਮ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਜਾਣੀ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਤੋ ਨਿਵੇਦਨ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਰੱਖੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਜੈ ਬਲੋ ਦੰਭੇਸ਼ਰ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਆਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਦਿਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੀਚ ਇਸ ਸਾਮਰੀ ਗਾਂਵ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰੂ ਦੰਭੇਸ਼ਰ ਭਗਵਾਨ ਕੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮੰਦਿਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਜਾਮਬਾਣੀ ਹਰਿਕਥਾ ਕੇ ਕਥਾ ਕਾ ਸਮਾਪਨ ਦਿਨ ਰਾਤਰੀ ਜਾਗਰਣ ਔਰ ਕੱਲ ਹੋਣੀ ਕੀ ਹੋਗਾ ਸਮਾਪਨ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਬੀਚ ਮੁਕਾਮ ਸੇ ਪਧਾਰੇ ਪਿਤਾਧੀਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਪੂਜਨੀਯ ਵੰਦਨੀਯ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਚਰਨ ਮੈਂ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਨਮਨ ਵੰਦਨ ਜਾਂਬਾ ਕੇ ਆਥੋਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮਦਾਸ ਜੀ ਚਰਨ ਮੈਂ ਨਮਨ ਔਰ ਵੰਦਨ ਲਾਲਾਸਰ ਧਾਮ ਕੇ ਸੰਤ ਰਾਜੇਂਦਰ ਨੰਦ ਜੀ ਚਰਨ ਮੈਂ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਨਮਨ ਔਰ ਵੰਦਨ ਵਿਰਾਸ ਬੀਜ ਫਿਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ
गुरु जी पूजनीय सचिनानंद जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन, संत विराजमान मनसा सिंह सभी के चरणों में बार बार वंदन और प्रणाम। अपने बीच पधारे हुए कथा के समापन में मेहमान स्थानीय यहीं के दूसरी बार चुन करके और अपने 36 गांव के सहयोग से समाज के विशेष सहयोग से विधायक चुनकर आए श्रीमान पाबाराम जी साहब लोहट के विधायक, और काफी टाइम से सब हर एक के मन में बहुत बड़ी उम्मीद थी। जहां विराजमान अगर समाज के अंदर भारत के अंदर कहीं भी बैठा उनकी एक उम्मीद थी जो 10-15 साल से इंतजार कर रहे थे। 10 साल बाद में लोहट के विधायक चुनकर आए अपने स्थानीय श्रीमान आदरणीय कृष्णाराम जी विष्णु साहब, लोहट के प्रधान भागीरथ जी बेनीवाल साहब, जोधपुर के पश्चिमी राजस्थान में सबसे बहुत बड़ी मंडी के चेयरमैन श्री जगराम जी गोदारा साहब, पूर्व उप जिला प्रमुख पांचाराम जी साहब, लोहट के स्वर्गीय मालाराम जी के सुपुत्र ओम जी राव साहब, सरपंच भैराराम जी, श्रवण जी, पंचायत सदस्य हमारे भगलू राम जी, हुक्मराम जी, आनंद जी, और एक लोहट के अंदर अभी जो चुनाव हुआ उस चुनाव के अंदर उपलब्धि दी हुई, उनको उपाधि दी हुई, जो चेहरे से शरीर से तो अमित शाह से कम नहीं है श्रीमान सुताराम जी, और सभी मंच पर विराजमान मनसा सिंह सामने विराजमान पिताजी के बुजुर्गों, युवा साथियों, माता बहनों, विशेषकर संस्कार की बात गुरु जी ने 6 दिन से कह ही रहे हैं, और शिक्षा की बात भी अभी शिक्षा भी दी है एमएलए बाबाराम जी ने, किसान ने बहुत कुछ बताई है। इंसान को अपने घर के अंदर 4-5 वैसे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 29 नियम बताए हैं, ये नियम एक विष्णु के लिए तो है ही है, ये मानव मात्र के कल्याणकारी है। जो आज की सरकारें और विदेश के अंदर बैठे भी लोग इस चीज पे रिसर्च कर रहे हैं, इस 21वीं सदी के अंदर रिसर्च कर रहे हैं कि मानव मात्र सुखी कैसे रख सकता है और स्वस्थ कैसे रख सकता है, इसीलिए नियम बनाए हुए हैं। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने आज ठीक 550 वर्ष पहले जो नियम बताए हैं, ये नियम मानव मात्र के लिए कल्याणकारी हैं और जीवन जीने यापन करने के लिए, अपने जीवन के अंदर ये ढालने के लिए, अपन सुखी जिंदगी जी सकते, इसलिए बनाए हैं। तो इस कड़ी के अंदर गुरु जी ने बताई रहे थे, रामानंद जी ने बताया था और राजेंद्र जी ने बताया, सब मंदिर सिंह बैठे या बता रहे हैं, उस चीज को अगर अपन सुनते हैं, अरे उस चीज को अपन सुन करके अगर लागू नहीं करते हैं तो उसका अपन को फल नहीं मिलता, लाभ नहीं मिलता है। अगर यहां से सुन करके जाते हैं और उस चीज को जीवन के अंदर उतारते हैं तो जिस आज अपन जीवन यापन कर रहे हैं और उसको उस चीज को लागू करके देखिए जो आज अपन किस प्रगति और उन्नति पे हैं, और नियम और नियमों के प्रति, धर्म के प्रति लागू करके देखिए, अगर 1-2 साल के अंदर जो पहले का जीवन और जीवन में अगर अंतर नहीं आ जाए तो उस चीज का आपको अनुभव खुद को हो जाएगा। विशेषकर सब चीजें सबने बता दी है और भी बताते रहेंगे, मैं एक चीज स्वास्थ्य पे बताता हूँ, शिक्षा स्वास्थ्य संस्कार, तो मैं स्वास्थ्य के प्रति आपको बात बताता हूँ। स्वास्थ्य आदमी का आज अपन देखते हैं, आदमी साल के अंदर 6 महीने तो बाहर का भोजन लेता है, बाहर का कहाँ, समाज के अंदर ब्याह मृत्यु भोज जागरण जमा भोजन करते हैं, उस भोजन के अंदर एक मृत्यु भोज के अंदर आप नहीं करते 5-7 लाख अपना खर्चा करते हैं, और वहां बनता क्या है, मिठाई जलेबी कोफ्ता कचोरी अनेक व्यंजन बनते हैं। ऐसे वो व्यंजन बनते हैं, वो बताओ आप अगर शुद्ध है या अशुद्ध है। सबसे पहली बड़ी चीज है अगर वो अपन घी कहां से लाते हैं, इतना तो दूध नहीं होता, इतना अपन घी उस काम में खर्च करते हैं तो वो घी है, वो देसी नहीं है, घर का नहीं है। आजकल अपने समाज में तो काफी जगह लोग कोशिश करते हैं कि अपन गाय को घी उपलब्ध करके करते हैं, लेकिन बहुत कुछ प्रोग्राम में घी अवेलेबल नहीं हो सकता है तो घी खराब है, उस घी से अपन कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और हार्ट अटैक की जैसी बीमारी लागू होती है, घी गलत है। दूसरी चीज शरीर के लिए सबसे बड़ी बीमारी है शक्कर, अगर आपको मिठाई खाना है तो गुड़ यूज कीजिए, गुड़ काम लीजिए। पहले के टाइम अपने सुनते थे, हमें याद कम है लेकिन हमारे जब जीवन काल शुरू हुआ था उस टाइम सुनते थे बुढ़े बुजुर्ग अपने घर के हलवा बनाते थे कि गुड़ गाढ़ा भाई गुड़ की लासी करते थे, तो गुड़ क्यों गाते थे, उनका इतना अनुभव था कि स्वास्थ्य के प्रति गुड़ सबसे अच्छा है। भोजन करके कई भी आज डॉक्टर तक कहते हैं भाई भोजन करके उनको थोड़ा गुड़ की डली ले लीजिए, उससे अपन भोजन पाचन सही होता है। तो मिठाई लेना है तो गुड़ लीजिए, शक्कर अपना एक दुश्मन है। दूसरी चीज मैदा मावा जो भी चीजें वहां बनती है सब स्वास्थ्य के प्रति नुकसान लगे, उससे कैंसर जैसी बीमारी है, हार्ट अटैक है, अनेक बीमारी लागू होती है, ये स्वास्थ्य के प्रति काम आने वाली चीज है।
दूसरी चीज खाना खाते हैं, खाते ही अपन लगभग हर कोई 100 में से 80 आदमी ऐसे हैं कि खाना खाते ही एक आधा लोटा पानी तुरंत पीते हैं। अगर खाना तो अपन लेते हैं गर्म और पानी पीते ऊपर ठंडा। अब बताओ कोई गर्म चीज के ऊपर पानी डालते तो क्या होगी, लोहा है आग जल्दी वो भी एक बुझ जाती है। तो शरीर के अंदर जठरागिनी के अंदर अपने गर्म शरीर के अंदर इस जो गर्मी होती है भोजन पचन की जो शक्तियां होती हैं पानी डालने से वो सब कुछ अनिवार्य हो जाता है, नुकसान होता है। तो अगर पानी पी ले तो पूर्ण घंटा एक घंटा तक नहीं पिए, अगर ज्यादा ही पीना है घर के अंदर अवेलेबल हो तो गर्म पानी करके थोड़ा बहुत ले लें और बाकी एक घंटों पश्चात पानी पिए। साधना गोल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सारी नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले।